तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है, यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब के ऑफर कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं जॉब के लिए, मुझे, इनको, इनके पापा को, इनके घर वालों को, हैदर बच्चों को लेकर आप प्यार नहीं करते। सीमा साफ कह रही है, जब माँ कह रहे हैं, माँ ने पट्टी पढ़ाया 2 महीने, ठीक है, बच्चों का मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता, बच्चे बच्चे नासूम है, उनको ऊपर कोई जोर नहीं है कि हाँ उनमें क्या पता कि अभी हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ये मुझे बच्चों को मैं ना आऊंगा और गंगा लेके जाऊंगा, ये इसको बड़ा ये सजा होना चाहिए। हैदर आपको बच्चे कैसे बोल सकता है, ये आपको अपने बच्चे गंगा ना आ सकता है, ये हैदर आपको अपने बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो छोटे हमको ये पता भी नहीं है, हम हिंदू धर्म में, हम मुस्लिम धर्म में, ये बच्चे कैसे, आप बताइए। नहीं वो बात सही है, ये बच्चों को, ये आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए कि आप, क्योंकि सीमा तो कह रही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छी बात, अगर वो ध्यान से रखे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है, कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को, आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए, जी आज तो देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे, जी जी जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक। सीमा यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, फिर क्या करेंगे आप, आपका जवाब क्या होगा? तभी मैं इनसे तलाक, तभी तो, तब तो और अच्छा होगा, मैं सामने बैठ के इनसे डिवोर्स ले लूंगी, अगर ये नहीं मान रहे कि डिवोर्स, मैं बच्चों को लेने के लिए मुझे डिवोर्स नहीं मान, भारत से भी आऊंगा, भारत से भी आऊंगा, उनको गुजारिश करूंगा। तुम किसी और की पत्नी को नहीं ले जा सकते बगैर उसकी मर्जी, मेरी मर्जी है नहीं, सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रुकने से, कब तक, जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए, ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ, जब तक ये केस नहीं, कभी भी नहीं, इनको अलग कभी भी नहीं, नहीं क्या तेरे कहने से होगा क्या, हुकूमत को कह रहा हूँ, कहीं भी नहीं, क्यों रखा जाए, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, कह रहा हूँ ये इस बात को देखा जाए, अलग से देखा जाए, आज से आज अलग फुल फोरम रखा जाए। सीमा सवाल बच्चों का भी है, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, सीमा बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पर उनका भी हक है, अगर मेरे बच्चे हैं इनके पास नहीं जाना, क्यों उनके 2 बच्चे हैं उनपे हक क्यों नहीं जता रहा, उनके पास क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे, उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे, क्या ऐसे बाप होते हैं, नहीं तो बच्चों के पास जाए ना पहले, तो वो बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे, लेकिन अभी अभी जो बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं रख सकता, तो अभी जो बच्चे हैं उन पर वो अपना हक बता रहे हैं कि वो बच्चे मेरे भी हैं, जब उन बच्चे, हाँ इनके भी हैं, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे इनके पास नहीं जाएंगे, और ना ही बच्चा, हाँ बच्चे की मर्जी से पूछ ले, बच्चे अगर जाना चाहते मैं मना नहीं करूंगी, बच्चे इनके पास जाएं, अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं, नहीं आप ये कह रही है कि अगर बच्चे उनके साथ जाना चाहें तो आप जाने देंगी, आप ये कह रही है? हाँ मैं जाने दूंगी बिल्कुल सर, अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं, इनके साथ रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी, ले जाए बच्चे, पर मैं तब भी नहीं जाऊंगी। हैदर सुना आपने, और बच्चे दूसरी बात सर, जी, जी, बच्चे इनके साथ प्यार नहीं करते, नहीं ये भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मैं तो सीमा मेरा घर वाली नहीं कहते छोड़ सकता हूँ, नहीं क्योंकि अब तक आप टीवी 9 से जब तक बात कर रहे थे आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, आहत थे कि मेरे बच्चों को ले गई सीमा और मुझे बताया तक नहीं, मुझे पता तक नहीं चला, अब सीमा ये कह रही है कि अगर बच्चे आपके साथ जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगी नहीं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन? नहीं रोकेंगे नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, सीमा भी आएगा, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, कोई भी कानून नहीं कह सकता कि बच्चे उनके साथ रहे, ये तो देख क्लियर है, ये तो क्लियर बात है, बाकी सीमा भी आएगा, जो हाँ इसके कोई सजा है भारत सरकार से, अगर सीमा की जगह सजा मुझे दे, सीमा को आजाद, भारत सरकार का कानून भारत के लोगों पे ही लागू होता है, हैदर साहब सजा दे, हैदर साहब भारत का कानून भारत के लोगों पर लागू होता है, अभी सीमा की नागरिकता भारत की नहीं है, मैं तैयार हूँ, मैं आऊंगा, मैं जेल काटूंगा, बच्चों को बोलूंगा तुम जाओ पाकिस्तान, अगर इसको सजा हो रहा है सर आंखों पे, इसको हम भारत की सरकार का हर चीज मानते हैं, अगर इसको सजा है तो बच्चों को हमारे को सीमा करे, जब तक सीमा का सजा, सीमा आप सुन रही है, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के हिसाब से काम करे, आपके ऊपर भारत सरकार का अभी कानून लागू नहीं हुआ, कम से कम शादी ब्याह या तलाक के मामले में, तो फिर ये कैसे तय होगा? अगर मुझ पे कोई क्राइम होता है जी, ठीक है सर, ये इनकी चाल आप समझ नहीं, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए सब कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, दूसरी बात अगर मुझ पे कोई होता है, अगर बच्चे इनके पास अभी भी, देखें इनको दिक्कत यही है कि मैं सचिन के साथ हूँ और ये सब हो रहा है,
इनको इसी बात से दिक्कत है और किसी बात से दिक्कत नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। जब तक केस की सुनवाई नहीं आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। जो सरकार बोलेगा हम मान लेंगे, पुलिस के कस्टडी में कम से कम होना चाहिए। केस क्लियर हो गया है, एक चीज रहती है बस, कन्फर्म होना रहता है। तुम्हारे कहने से केस आजाद हो गया, फिर मोदी सरकार तुम बन जाओ, उसको बोलो तुम्हारा कुर्सी मैं संभालता हूँ, फिर आप संभालो केस। ऐसे नहीं है सीमा, जो तुम चाह रहे हो ठीक है। हैदर गुलाम हैदर आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही हैं। अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से। आप बताइएगा कि क्या मामला, कब शादी हुई थी? क्या इसका 2014 में शादी हुआ, समझा? अभी पहले सीमा भी इधर रहता था, उसको मेरा बेटा भी इधर था, अभी वो चला गया कराची से। फिर उसने बोला मैं अभी जाएगा सऊदिया, मेरा लड़का सऊदिया चला गया, सीमा उधर था कराची, उसने जगह भी उधर से लिया, फिर वो जगह खपा के सीमा भाग गया। क्या ये बात सही है जी मैम? सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं, ये आप इनकी बातों से आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया, हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा घरवाली है और ये सर अभी एक बड़ी बात है पॉइंट वाली की, ये मेरी घरवाली अभी ना महरम के साथ ये रह रहे, भारत मीडिया दिखा रहा है उसको, माले पहनाया जा रहा है और तालियां बजाया जा रहा है। ये किस कानून के तहत में है? हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है? आप नहीं, गुलाम है ज्यादा जानकारी है। सीमा कह रही है कि उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपना लिया है, अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, हिंदुस्तान में ही रहेंगी। स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल। नहीं सर, ये ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? सरकार है, सरकार है, हर चीज है, हर मेरी बात सुनो हैदर साहब, मेरी बात सुनो, कौन सच है कौन मेरी बात सुनो, आपके आपके पति कह रहे हैं कि एक तो आपने डिवोर्स नहीं लिया है और तलाक से पहले आप ये कैसे फैसला ले सकती हैं? इनके कहने से कह रहे हैं गुलाम हैदर, एक मिनट गुलाम हैदर, गुलाम हैदर जी आप एक सेकंड रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, सीमा जी से ही जवाब ले लेते हैं जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सीमा जी, आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है और उससे पहले आपने आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है ये कह रहे हैं वो। आप 2 मिनट जी, आप 1 मिनट उनको चुप करा दें या उनकी माइक बंद करें ताकि मैं बात अपनी पूरी कर सकूं। बोलिए सीमा जी। पहली बात हैदर से मैं ये कहना चाहूंगी, क्या कभी तुमने मेरी इज्जत करी? क्या कभी मेरी रिस्पेक्ट करी उन्होंने? क्या कभी इनकी माँ ने या इनके पापा ने मुझसे बात करी? मुझसे बात करने दीजिए, उनकी बंद कर दें, उनकी माइक एक मिनट बंद कर दें, मेरी बात करने दें। ठीक है सीमा जी, गुलाम हैदर साहब दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। गुलाम हैदर साहब रिक्वेस्ट आप दोनों से ये है कि एक वक्त में एक ही बोले। अब गुलाम हैदर साहब आपकी बात हो गई, सीमा उसका जवाब देना चाह रही है, अब सीमा को सुनिए, बोलिए नहीं। गुलाम हैदर साहब फिर मैं आपके पास आऊंगा तो बोलिए, सीमा बोलिए। जी सर, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे, इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ये पूछे, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा, कैसे तलाक नहीं होती पर दी थी, मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है, इनसे पूछें क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं है? क्या इनके जो पापा है उनके सगे पापा नहीं है? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जब ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई। जो इनके पापा हैं, और ये बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद किया। क्या क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनके पापा की इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं।
इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। गुलाम हैदर साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर है। गुलाम हैदर साहब, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही हैं कि उनके बच्चों को आपकी फैमिली में बेचा जा सकता था, किसी दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता था कुछ पैसों के खातिर, क्या ये बात सही है? पहले सवाल सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दिया कीजिए। गुलाम साहब, नहीं सर, सर सीमा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पिक्चर नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। जैसे सीमा बोलेगा, सीमा की बात चलेगा सर? नहीं नहीं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, बात नहीं हूँ, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ, मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था, स्कूल पे खर्चा कौन दे रहा था, मेरे रास्ते में था, कॉन्टेक्ट में था, अचानक मुझे भारत मीडिया की थ्रू पता चला कि ये भारत चला गया, ये झूठ पे झूठ बता रही, क्यों बोला जा रहा है? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को ये नामहरम के साथ है अभी मैं, वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं कह देता कि मेरे से तलाक हुई, तलाक हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मानूं सर? नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी, गुलाम हैदर साहब आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है?